सर थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत सारे जगहों पर आपने रोड शो किया है पिछले कुछ दिनों में, कैसा है सर रिस्पॉन्स, आपका असेसमेंट क्या है? मैं कल मैसूर क्षेत्र में था, आज उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में हूँ। कित्तूर कर्नाटक हो या मैसूर हो या हसन हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लहर दिखाई पड़ती है। इतनी छोटे से सेंटर पर, यादगिर पर, जहाँ तक नज़र पहुँचे लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कितने लोग यहाँ पर उमटे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर सिद्धरमैया जी एक तरफ कहते हैं कि हम वापस आएंगे तो मुस्लिम रिजर्वेशंस देंगे, दूसरी तरफ कुछ विवादात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं लिंगायत कम्युनिटी के बारे में, आपके राय में ये इलेक्शंस पर कैसा असर पड़ेगा सर? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन रखा था, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाकर वोकलिगा, लिंगायत, SC, ST और OBC समाज के रिजर्वेशन को बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकती है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने किया है। निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाने जा रही है। सर एक और चीज है, ट्रेडिशनली हमने देखा है कि कर्नाटक में लोग कास्ट लाइंस पर वोट किए हैं, पर कुछ स्टेट्स में हमने देखा है कि मोदी जी के लिए वर्किंग क्लास, पोअर क्लास का एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या आपको लगता है वो कर्नाटक में भी डेवलप हो रहा है? कर्नाटक में भी गरीब कल्याण की योजनाओं का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्मित हुआ मैंने देखा है। मैं विगत 3 महीने में, ये 15वीं बार कर्नाटक आया हूँ, 15वां दिन है मेरा, हर जगह गया, वहाँ लाभार्थियों की एक बड़ी फौज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई दिखाई पड़ी। सर एक और चीज है, आप कल गुंडलपेट में थे और आलूर हासन में थे, दोनों जगह पर JDS का बैस्टियन माना जाता है, पर आपके लिए बहुत सारा क्राउड आया, आपको लगता है इस बार ओल्ड मैसूर रीजन में BJP गेन करे? ओल्ड मैसूर रीजन में और हासन में भी हम 4 सीट जीतेंगे, ओल्ड मैसूर रीजन में हम अच्छा काम करेंगे। सर देवेगौड़ा जी कहते हैं कि मैंने मुस्लिम रिजर्वेशन इसलिए दिया क्योंकि रिपोर्ट था। सर देवेगौड़ा जी कहते हैं कि हमने मुस्लिम रिजर्वेशन इसीलिए दिया क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स था और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। जरा भी बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी। सर फाइनली BJP को कर्नाटक जीतना कितना इम्पोर्टेंट होगा सर BJP का साउथ प्लान के लिए? हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये साउथ का प्रवेश द्वार है और इस बार हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार।